महाविष्णु विष्णु हाँ श्री कृष्ण हाँ उसमें उनमें कोई तफात है? हाँ बहुत बड़ा अंतर है। पहले तो ये समझो कि दो प्रकार के श्री कृष्ण होते हैं। एक श्री कृष्ण तो ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं अवतार लेकर के, यानी 4,32,00,00,000 वर्ष में एक बार आते हैं। अभी जो 5,000 वर्ष पहले आए थे ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, और बाकी युगों में इसके पहले भी द्वापर में आए हैं, उसके पहले भी द्वापर में आए हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, लेकिन वो श्री कृष्ण कहे जाते हैं। तो दो तो ये श्री कृष्ण हो गए। इन श्री कृष्ण का अंश महाविष्णु है जो अनंत कोट ब्रह्मांड के अध्यक्ष हैं। जैसे हमारे यहां प्रेसिडेंट होता है वो तमाम गवर्नरों का अध्यक्ष होता है। अब ये तो 10-20 प्रांत हैं हमारी दुनिया में, तो अमेरिका में इंडिया में, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उन सब का अध्यक्ष है महाविष्णु। फिर उनके नीचे विष्णु ब्रह्मा शंकर तीन होते हैं, वो हर ब्रह्मांड में तीन तीन होते हैं। जैसे राज्यपाल होता है हमारे यहां, एक ब्रह्मा एक विष्णु एक शंकर, यानी एक ब्रह्मांड को बनाने वाला, एक ब्रह्मांड की रक्षा करने वाला, एक ब्रह्मांड का प्रलय करने वाला, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ये अनंत ब्रह्मा है, अनंत विष्णु है, अनंत शंकर है, ये महाविष्णु के अंश हैं, यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार हर द्वापर में उनके अंश महाविष्णु, उनके अंश अनंत कोट ब्रह्मा विष्णु शंकर। लेकिन है ये सब अंश, इसलिए भगवान है। अंश का मतलब ये नहीं है कि इनमें कम पावर है कोई, ऐसा नहीं है, सब भगवान है, सदैश्वर्य परिपूर्ण है। इसलिए चाहे एक ब्रह्मांड के विष्णु की भक्ति कर लो तब भी माया निवृत्ति होगी, और चाहे महाविष्णु की भक्ति कर लो तब भी माया निवृत्ति होगी, चाहे श्री कृष्ण की भक्ति कर लो तब भी माया निवृत्ति होगी। लेकिन आनंद प्रेमानंद का जो रस है उसमें अंतर हो जाएगा। सबसे अधिक सौरस्य श्री कृष्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण में है, जो अभी 5,000 वर्ष पहले आए थे। इनको देखकर महाविष्णु भी मोहित हो जाते हैं, महाविष्णु की महालक्ष्मी भी मोहित हो जाती हैं। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है इनकी गिनती क्या है, तो रस में अंतर है, और बाकी ये सब भगवान है। किसी की भक्ति कोई करे तो मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा सवेरे दर्शन करेंगे आप लोग। सरकार की जय। फुल बाके बिहारी लाल की जय।